तो आज उनका लुक बाद में बताते हैं। आज मैंने 2 दिन हो गया मैं कुछ काम ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो अभी एक सीजनल वायरल फीवर जैसे हो गया है। और आज क्या मज़ा हुआ, आज मैंने उन्हें बोला था जो कि वो कभी छुट्टी नहीं रखना चाहते, रखते भी नहीं हैं, और आधा दिन की छुट्टी लिया था उन्होंने आज मेरे लिए। तो बस ऐसे करके क्या हो गया, ट्रेजिडी क्या बताएं, हमारी लाइफ आधे से ज़्यादा इसमें ही है कि उनका ऑफिस का फ़ोन चालू था, मैं रेडी होके बैठी थी, उनका फ़ोन चालू था, अभी भी मैंने पॉज करके वीडियो किया कि उनका फिर से कॉल आ गया था। तो ऑफिस आवर्स में मुझे ये एक्सपीरियंस मिला, उन्हें नई छुट्टी लेने के लिए फोर्स नहीं करनी चाहिए थी, है ना। तो अभी हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं, पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं, पर आउटिंग होगी। हमें ऐसे लगते हैं कि बस बैठे रहे हैं, एक वाटर बॉडी हो समथिंग, या मतलब शांति होनी चाहिए। ऐसे ही तो मैं उनका लुक बताती हूँ आपको, मेरी लुक तो आप देख ही चुके हैं। ये स्कर्ट है एंड ये टॉप है। ये स्पेशली मैं क्यों बताती हूँ, बिकॉज मुझे अच्छे लगते हैं, आपको भी शायद अच्छे लगते होंगे। और आपका लुक बता दीजिए यहाँ पे। आज आपने मेरे लिए छुट्टी रखा, नतीजा क्या निकला, फोन में ड्यूटी चालू हो गई ना। ठीक है, तो चलिए निकलते हैं बाहर। ये रोड क्या है बोल नहीं सकते जब तक आप खुद नहीं आइएगा। आई थिंक जो भुज पे रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि ये रास्ता कितनी ब्यूटीफुल है, बट दिस इज क्वाइट रिस्की बिकॉज काफ़ी टर्निंग्स है, पर काफ़ी ब्यूटीफुल है। और अभी वेदर के हिसाब से एकदम क्लियर स्काई है, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही है। मेमोरी खत्म हो जाएगी पर ब्यूटी नहीं खत्म होने वाली, इतनी अच्छी लग रही है। क्या बताएं, क्या बताएं, पता नहीं क्या बताएं। स्काई देखिए लाइक फॉरन, इतनी क्लियर स्काई तो मैंने लास्ट 6 मंथ्स में नहीं देखा है। और जगह बहुत घूम घाम के आए हैं, सीधे रास्ता नहीं पकड़े थे, इतने टेढ़े मेढ़े रास्ते से आए हैं, पूछिए नहीं, पर जो मिला है वो माइंड ब्लोइंग है। पर रास्ता बिल्कुल खाली खाली है, राइट साइड बहुत अच्छा है पर अभी स्ट्रेट देखना है हमें। और एक बम्पर आया, फिर हम लोग उछले थोड़े, ठीक है, अभी डोर आया, फिर हम लोग ध्यान रखिए सामने कोई लेडी है। अभी देखिए हम लोग कितनी अच्छी जगह है, ये तो मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ। एक टावर है, मुझे लग रहा है ये रोड ख़त्म ना हो, इतनी अच्छी है। ओके, हमारे गूगल महाशय ने बोल दिया है, नहीं ये तो देवी जी बोल रहे थे कि हमारे डेस्टिनेशन आ गया है अभी हम लोग। वाओ वाओ, ये एक ऐसी लिस्ट है कि जिन लोगों ने यहाँ पे आई थिंक कंट्रीब्यूट किया है मंदिर बनाने में, कितने छोटे छोटे अक्षर में लिखा हुआ है और लिस्ट काफ़ी लॉन्ग है। आपको बताएं इस साइड भी है सेम एज, दरवाजे के पीछे नहीं दिखा पाएंगे। और ये दरवाज़ा तो देखिए, मैंने ऐसी लैमिनेटेड ग्लास फोटो जैसा दरवाज़ा तो आज से पहले नहीं देखा है। मंदिर का नाम बता देते हैं आपको, जो कि ये है, ये मंदिर अबजी बापा श्री जी की मंदिर है, जो वडदिया में स्थित है, भुज से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी में।
श्री स्वामीनारायण भगवान ने अपने जीवित काल में बहुत सारे जगहों पे विचरण किए थे। ये जगह उनमें से ही एक है जहाँ पे वो आए थे और आज हम आपको ये जगह बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ये जगह कैसी है। जय श्री स्वामीनारायण। अंदर आने का अनुभव बहुत खास है, बहुत शांति है और स्पेशली जो लकड़ी का वुडन काम है वो मन को छू गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए आवाज़ बैकग्राउंड में आएगी, पर व्यू बहुत अच्छा है और स्पेशली अंदर हमने वीडियो नहीं किया, पता है अलाउ करेंगे कि नहीं, पर बाहर हम लोग अच्छे से वीडियो कर सकते हैं। जितने भी बताऊँ ये लोग, वीडियो में तो आपको एंजॉयमेंट लगेगी ही, पर ऐसे रूबरू आके देखते हैं तो और भी ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे एक टेम्पररी ब्रिज भी है, आप घूम सकते हैं, ये भी है। हमें नहीं लगता कि हम जो रेगुलर घूमने आते हैं उनको मौका दिया जाता होगा घूमने के लिए। ये प्राइवेट है कि कोई संत या महाराज आए तो उनको जल विहार बोलते हैं, वो शायद करवाने का है यहाँ पे। यहाँ पे लंबे लंबे पेड़ हैं, आई थिंक देवदारू जैसे कुछ लग रहे हैं और पानी काफ़ी क्लियर है। उसके ऊपर जो पक्षी मछली खाते हैं वो बहुत दिख रहे हैं। हम तो पानकोड़ी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं बाद में बताइएगा। और व्यू बहुत अच्छा। ये वीडियो क्यों कर रहे हैं? ये प्लेस इतना अच्छा है, आपको क्या बताएं? तो उनसे भी पूछते हैं आपको कैसा लग रहा है, बताइए। किसका प्लान था यहाँ पे लेके आने का, उसको क्या पूछ रहे हैं? आके मैं बहुत दुखी हो गई लिटरली कि आप मुझे पहाड़ी के ऊपर चढ़ाने वाले थे, ये कहाँ मंदिर लेके आए। मैं तो मंदिर तो आती ही रहती हूँ, यहाँ पे काफी सारे मंदिर है, पर ये मंदिर नहीं है, माइंड ब्लोइंग है। हा? एक तो मंदिर की इंटीरियर काफ़ी ब्यूटीफुल है, एक आध फोटो मैं ऑफकोर्स शेयर करूँगी। बस ये लेक जो है ना, वाटर बॉडी, आपको जितना बताएं उतना कम है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। आई थिंक आपको आने चाहिए। आप दो तीन घंटा यहाँ पे निकाल सकते हैं पूरे दिन में, और मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग इवनिंग में आए हैं। बहुत अच्छा है ना? कौन सा चीज अच्छा है? स्पेशली मंदिर के अंदर, और ऐसा तो मैंने नहीं देखा था। ये हम जहाँ से हैं वहाँ पे ऐसा होता है कि एक पानी का जगह होता है, पर ये बोट सिस्टम ये सब नहीं होता है, तो ये मुझे काफी अच्छे लगे। हाँ, ये बोट आई थिंक प्राइवेट होगा, और ये जगह काफी अच्छी है, पानी क्लियर है और पानी से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है।
यहाँ पे हम और आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ पे हवन कुंड जैसा कुछ है ऊपर कवर किया हुआ, और यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, इतनी अच्छी व्यू है। बहुत अच्छा है द्वारका। हम लोग गए हैं सोमनाथ मंदिर के, वहाँ पे भी पानी है, पर ये बहुत बहुत क्लियर पानी है, अच्छे भी लगते हैं बहुत। यहाँ पे मैंने देखिए मेरा सनग्लास नहीं पहना है, उनका सनग्लास मैंने ले लिया है, और काफ़ी अजीब लग रहा है। वो हाय बोल रहे हैं। और यहाँ पे दो हाथी है, मुझे नहीं लगता कि क्लियर दिख रहा है कुछ, जिसके ऊपर कुछ मछली खाते हुए ऐसे कुछ पक्षियाँ बैठे हैं। तो देखिए ये हाथी है ना, डूबे हुए हैं, आई थिंक पानी है ज़्यादा इसलिए, पर वो साल के कुछ ना कुछ टाइम तो वो लोग पूरा बाहर आ ही जाते होंगे। तो यहाँ पे हम बैठ भी सकते हैं, यहाँ पे नहा भी सकते हैं, चेंजिंग रूम भी है साइड में। अभी मैं अपना ये सनग्लास उतार दिया। ये देखिए कितना अच्छा है व्यू। देखिए कितनी अच्छी व्यू है, ये पीछे के साइड है, बैक साइड वाटर बॉडी के, और ये यहाँ पे आप लोग भी आई थिंक अगर भूल जाते हैं तो यहाँ पे एक बार दर्शन, स्पेशली स्वामीनारायण मंदिर जो मानते हैं स्वामीनारायण भगवान को, वो तो स्पेशली यहाँ पे आइएगा ही, बहुत अच्छी मंदिर है। हम लोगों को ऐसे जाने का मन नहीं कर रहा है, अभी सनसेट हो गया है तो आई थिंक हमें निकलना चाहिए, पर और थोड़ी टाइम अगर हम यहाँ पे बिताते तो हमें और भी बहुत अच्छी लगती और खुशी होती। ऐसा लग रहा है बोलो, मानो द्वारका घाट पे आ गए, ऐसी कुछ फीलिंग हो रही है, ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, और बीच में पानी है, उस साइड मंदिर है, मानो कि अभी हम भेट द्वारका में खड़े हैं और द्वारका पहुंचने वाले हैं। देखिए रेल में बहुत अच्छी है। कौन सा गाना है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए तेरे अकल का ताला। और किंतु जोर है अभी जाने का वक्त आ गया है। हाँ, क्योंकि सनसेट हो गया है इसलिए अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो नेचुरली हम लोग एंड करना चाहते हैं आज के ब्लॉग का। बहुत टाइम पास कर लिया, एंजॉय हुआ, मैंने डांस भी किया बिना गाने का, और मेरे बुखार है इसलिए वो बोल रहे थे इसको आज बुखार है, इसको आज बुखार है। बेसिकली बुखार को ठीक करने के लिए लेके आए हैं। अच्छा हुआ कल से नॉर्मल लाइफ हो सकती है। यहाँ पे बैकग्राउंड में देखिए पार्क जैसा है, काफ़ी बच्चे की चहल पहल है, मुझे लगता है ये गुरुकुल है। हाँ ये गुरुकुल है जहाँ पे स्टूडेंट्स रह के पढ़ाई करते हैं, उस टाइप का है, क्योंकि बच्चे की धमाधम आवाज़ आ रही है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, बहुत अच्छे रहिएगा, बाय बाय।
सिटी रोड मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत काम के लिए भी इधर उधर आना होता है तब मैं इस रास्ते से जाती हूँ। यहाँ पे एक पेड़ है ना, दूसरे पेड़ से ऐसे मिलते हैं मानो कि उन्होंने ऊपर कैंटेलोप जैसे कुछ बनाया हुआ है, तो ये व्यू मुझे बहुत पसंद है। नेचर इज वेरी वेरी काइंड टू अस यहाँ पे आने के बाद लगता है।